हेलो दोस्तों, मैं संदीप कन्नावदिया, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो आज मैं आपको लेकर के आया हुआ हमारे नए प्रोजेक्ट की ओर, जो होने वाला है आइडियल पैरामाउंट सिटी। तो दोस्तों, आज जो हमारा प्रोजेक्ट है आइडियल पैरामाउंट सिटी, उसकी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन से काफ़ी नियरेस्ट होने वाला हमारा प्रोजेक्ट है। आप मेट्रो काम देख सकते हैं, वो शहर में जो मेट्रो काम चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 150 फीट रास्ते पर हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट रहेगा। सामने जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये 150 फीट का रास्ता प्रपोज्ड है, जिसका आगे काम चल भी रहा है। और ये रास्ता आपको सीधे TCS पर कनेक्ट करेगा। उसके बाद अगर आप सामने देखें तो स्वयं हमारे प्रभु बैठे हुए हैं पितृ पर्वत के ऊपर। आप उनके यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हैं। और अगर रोड की बात करें, आगे अगर रोड पर बढ़े तो ये रोड सीधा आपको देपालपुर कनेक्ट करेगा। कॉलोनी की अगर बात करें तो कॉलोनी के मेन एंट्रेंस पर एक छोटा सा गार्डन दे रखा हुआ है, जिसका आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। उसके बाद अगर मेन एंट्रेंस की बात करें तो ये हमारा मेन एंट्रेंस होने वाला है, जिस पर 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलेगी। उसके बाद अगर एंट्रेंस के बाजू में अगर आप देख पा रहे हैं तो आइडियल ग्रुप लिखा हुआ है, ये एक फाउंटेन है जो कि बहुत शानदार तरीके से चलता है ये, और डेवलपमेंट काफ़ी शानदार किया हुआ। आप फ्रंट का व्यू देखें टाउनशिप का, आपको वाकई में लगेगा कि आप किसी कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेन एंट्रेंस की जैसे बात करें तो आप जो रोड देख पा रहे हैं, ये 40 फीट का रोड रहेगा, जिसमें 30 फीट का रोड और 5-5 फीट के दोनों तरफ ब्लॉक लगे हुए हैं। एंट्रेंस की बात करें तो कॉलोनी का जो रोड है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। जैसे कि टाउनशिप की अगर आगे बात करें तो कॉलोनी के अंदर बिल्डिंग परमिशन है। आप जैसा देख ही पा रहे हैं, टाउनशिप के अंदर मकान का काम चल रहा है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग परमिशन है वो काफ़ी समय से और काफ़ी मकान का काम यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज से अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली परचेज करके इजीली मकान बना सकते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं, सामने आपको गार्डन दिख रहा है, ये टाउनशिप का हमारा पहला गार्डन होने वाला है, जिसको अपन नज़दीक से एक बार देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा सेकंड गार्डन होने वाला है। इस गार्डन के अंदर भी प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड दे रखी है। सामने आप वाटर टैंक देख पा रहे होंगे, वाटर टैंक जितना ऊपर स्टोरेज है उससे डबल स्टोरेज नीचे दे रखा है, तो पानी वगैरह की किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। आपको किसी भी प्रकार का पानी से रिलेटेड इशू नहीं आने वाला है। और गार्डन आप देख ही सकते हैं कितना शानदार डेवलपमेंट किया हुआ है गार्डन में। तो इसी के साथ मैं आपको टाउनशिप का ओवरव्यू दिखाने के लिए हम चलते हैं आगे। तो कॉलोनी के ओवरव्यू की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कॉलोनी पूरी हमारी कपट कैंपस होने वाली है। सामने पूरा रेसिडेंशियल एरिया आप देख पा रहे होंगे, फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं। सामने आप गार्डन देख पा रहे हैं, शानदार गार्डन डेवलप किया हुआ है। गार्डन के साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक और बास्केटबॉल के लिए एक प्रॉपर स्पेस उन्होंने दे रखा है। और सामने एक और वाटर टैंक है जो सेकंड फेस के लिए है। जैसे कि आप टाउनशिप देख पा रहे हैं, येलो कलर की बाउंड्री, पूरा कवर्ड कैंपस, जहाँ जहाँ तक आपको येलो कलर की बाउंड्री दिख रही है पूरा हमारा कैंपस है। और बीच में आप देख पा रहे हैं प्लॉट से एरिया, रोड वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही है। सामने एक और गार्डन है जिसमें प्ले जोन बच्चों के लिए अलग से रखा गया है। और प्लॉट साइज की अगर टाउनशिप में बात करें तो 800, 1000 और 1200 स्क्वायर फुट में प्लॉट्स अवेलेबल है। इस गार्डन की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इस गार्डन में एकदम प्रॉपर सेपरेट प्ले जोन दे रखा है। साइड में अगर आप देखेंगे तो बारिश का अगर आपको व्यू देखना है बारिश में, तो उसके लिए बैठने के लिए एक स्पेशल जगह दे रखी है। उसके बाद में आप योगा मेडिटेशन मॉर्निंग में अगर करना चाहते हैं तो साइड में उसके लिए भी स्पेस दे रखा है। मॉर्निंग वॉक के लिए ग्रीनरी का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है, और ये प्रॉपर एकदम ग्रीनरी वगैरह भी मिलेगी। तो इस गार्डन की अगर बात करें तो ये एकदम कॉम्बो गार्डन है, जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। टाउनशिप में अगर आप स्टैचू वगैरह की अगर बात करें तो जो जितने भी स्टैचू बनाए गए हैं सारे के सारे RCC के बने हुए हैं, जिनकी आप क्वालिटी देख पा रहे हैं। शानदार तरीके से डेवलपमेंट किया हुआ, प्रॉपर फाइबर वगैरह का, किसी प्लास्टिक मटेरियल का टाउनशिप के अंदर यूज़ नहीं हुआ है। तो ये हमने दोस्तों विजिट किया आज आइडियल ग्रुप का, आइडियल पैरामाउंट सिटी के नाम से हमारा प्रोजेक्ट। अब टाउनशिप की अगर लीगलिटी की बात करें तो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, 75% तक यहाँ पर मार्केट वैल्यू का बैंक फंडिंग कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने प्रोजेक्ट विजिट किया आइडियल ग्रुप का आइडियल पैरामाउंट सिटी,
काफ़ी आपको पसंद आया होगा। आपने जैसे देखा टाउनशिप के अंदर काफ़ी मकान बन चुके हैं, और जब मकान वाली स्टेज पर टाउनशिप आती है तो कुछ ही लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आज की डेट में अगर देखें तो ज़्यादा इन्वेंट्री हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अगर आप भी इस शानदार टाउनशिप में अपना प्लॉट परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।